फिल्म अच्छी है लेकिन ट्रेलर जब हमने देखा था तो ट्रेलर से जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से फिल्म खड़ी नहीं उतर पाई है, लेकिन ओवरऑल मिला जुला के अच्छी है फिल्म। सॉन्ग एक ही एक इमोशनल सॉन्ग है और एक लास्ट में बादशाह का एक सॉन्ग है, लेकिन जहाँ पे भी सॉन्ग नहीं डालना चाहिए था वहाँ पे भी सॉन्ग डाल रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सॉन्ग ठीक है। सोनाक्षी की एक्टिंग तो ओवरऑल मतलब उनकी हर फिल्म में अच्छी ही होती है एक्टिंग के मामले में अगर बात की जाए, लेकिन उस इस फिल्म में भी उन्होंने अपने आप को उतने अच्छे से ही जस्टिफाई किया है। इस फिल्म को मैं 3 स्टार देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा बुरी है। ट्रेलर देखने के बाद एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर दिस मूवी, मुझे लगा कि बहुत ही कॉमेडी से भरपूर है और एक अलग कॉन्सेप्ट की मूवी है सेक्स एजुकेशन, बट मूवी इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया बिकॉज मैं बहुत इतनी सुबह बारिश में आप देख रहे इतनी बारिश हो रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आना इज़ लाइक यू नो बहुत एक्सपेक्टेशन से सारा थी, लेकिन सारे एक्सपेक्टेशन पर ये बारिश पानी फेरा तो फेरा, लेकिन ये मूवी ने भी पानी फेर दिया है। एक्टिंग आई फील लाइक कि वो एक्टिंग नहीं थी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक्टिंग नहीं थी, ऐसा लगता कि किसी ने मार मार के ज़बरदस्ती करवा दिया है ऐसे मुझे फील हो रहा था, क्योंकि उनकी फीस पे वो पूरे अगर आप 2 घंटा अगर आप किसी मूवी को देख रहे हो अगर आपको एक्सप्रेशंस ही नज़र नहीं आ रहे तो वो एक्टिंग थोड़ी ना होती है। एक ही एक्सप्रेशन आप कैरी करके वो 2.5 घंटे देखना, इनफैक्ट आपको बीच में से लगा कि आपको नींद भी आ रही है आप सो भी गए, आपको पता भी चला गया आप कब सो जाओगे, ऐसी मूवी है। कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ जस्टिफाई नहीं किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अगर इन्होंने पोर्ट्रे किया होता तो बहुत सुंदर मैसेज दर्शकों के पास जाता है। सॉन्ग्स एक ही मुझे अच्छी लगी, वो कोका कोका है, वो भी लास्ट है, वो डीजे सॉन्ग है तो मे बी बादशाह की वजह से वो अच्छा है, लेकिन जो बीच के सॉन्ग है दिल जानिए वगैरह आपको लगेगा ही नहीं कि वो सॉन्ग कब आए और कब चले गए, आपको याद ही नहीं रहेगा कि वो लाइक ऐसा है कुछ सॉन्ग। मैं तो देना चाहूँगी 1.5 स्टार। ओके थैंक यू। मूवी ठीक ठाक है, पसंद नहीं आई हमको। पसंद नहीं आई उसमें कोई यानी गाना नहीं डांस ऐसा कुछ नहीं है, बादशाह है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब कि वो आता है चला जाता है ऐसा अच्छा नहीं लगा। मूवी की कहानी वो पुराने ज़माने में जो यूनानी दवा चलती थी उस पर ही है वो मूवी बेस्ट। सोनाक्षी की एक्टिंग की बात वो तो अच्छी है, उसकी एक्टिंग अच्छी है। सॉन्ग्स उसमें 2-3 है वो हमें इतना खास नहीं लगे, समझ में भी नहीं आते हैं। तो बोरिंग है। हाँ मूवी वॉज वेरी बैड, सोनाक्षी एक्टिंग ऑल्सो वॉज सैड, सो आई टू फील आई शुड रेट ओनली 2 स्टार्स बिकॉज आई डेंट लाइक द एक्टिंग ऑफ दैट एंड इवन द स्क्रिप्ट आई डेंट लाइक द स्क्रिप्ट, सो आई थिंक सो समथिंग मोर बेटर कुड बी डन, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टोरी वॉज वेरी सैड, आई तो फील इट कुड बी डन मोर बेटर। सो पिक्चर तो ना मनोरंजन है पिक्चर में ना स्टोरी एक खानदानी शफाखाना जो यूनानी जो दवाएं हैं उनके बारे में जो पुरानी दवाएं हैं उनके बारे में बताया गया है और सेक्स को लेके ये सब्जेक्ट है कि लोग सेक्स को जो आज भी इंडिया में लोग खुल के नहीं बोलते हैं तो सेक्स के जो मरीज होते हैं उनके लिए बताया गया है कि आप जो पुरानी दवाएं हैं जो आजकल तो अंग्रेजी दवाएं आयुर्वेदिक ये सब होती लेकिन जो सेक्स के लिए जो सबसे पुरानी हिंदुस्तान में दवा थी वो यूनानी दवा थी तो उसके लिए प्रेरित किया गया है कि जो भी शफाखाना में पुरानी दवाएं मिलती थी सेक्स को लेकर के सेक्स को बढ़ावा देने के लिए सेक्स को जो मेडिसिन जो भी मिलती थी वो यूनानी मेडिसिन थी और लोग खुल के आए दवाखाना में और अपना इलाज अपनी बीमारी बताएं इलाज करें और उसका लाभ लें। लेकिन पिक्चर में सोनाक्षी सिन्हा का तो बहुत अच्छा काम है, मन खुश हो गया, मैं उस सोनाक्षी सिन्हा की वजह से मूवी देखने गया था, लेकिन फिल्म में कोई मनोरंजन नहीं है। बादशाह को भी पहली बार लाया गया है लेकिन उनका रैप वैप है नहीं, वो 2-3 बार दिखते हैं। कुलभूषण खरबंदा का जो है रोल वो भी ठीक है लेकिन ये पूरी पिक्चर सोनाक्षी सिन्हा को बेस करके बनाई गई है जो कि उन्होंने खूबसूरत भी लगी हैं और अच्छा काम किया है लेकिन दर्शकों को ये बांधने में फिल्म असफल रहेगी क्योंकि फिल्म में मनोरंजन होना चाहिए, गाने होने चाहिए, थोड़ा सा लोकेशन वाइज होना चाहिए। वो एक होशियारपुर पंजाब में होशियारपुर एक जगह है तो शफाखाना जो एक है उस पर ही फिल्माया गया है, उस गलियों में फिल्माया गया है जो कि संदेश तो जाएगा, बहुत कम लोग ये संदेश फॉलो करते हैं, उनको मनोरंजन चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब पिक्चर जो ऐसी बननी चाहिए जिसमें मनोरंजन हो, जिसमें तो मनोरंजन था नहीं, बस एक सेक्स के बारे में एक संदेश था पब्लिक को
एक आगाह करने के लिए कि आप सेक्स के बारे में खुल के बात करें, खुल के दवा लें, खुल के इलाज कराएं, ताकि आपका दो जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो सके। ओवरऑल आप कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 3.5 दूंगा। सोनाक्षी सिन्हा, वरुण शर्मा और बादशाह देखिए फर्स्ट टाइम स्क्रीन में एज अ रैपर, तो ठीक ठाक लगी, इतनी कुछ खास नहीं रही। ट्रेलर देख के जैसे पता चला था कि ये फिल्म हमारे सोसाइटी के एक डीप रूटेड इशू को, जो सोशल स्टिग्मा है सेक्स और सेक्स एजुकेशन को लेके, उस मुद्दे पे बनाई गई है। लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो मैसेज फ्लैट गिरी, इट डिडंट रियली सक्सीडेड इन डिलीवरिंग द करेक्ट मैसेज टू द ऑडियंस, तो ठीक ठाक लगी। वरुण शर्मा जो थे, आई थिंक वो ही इस फिल्म के सबसे बेस्ट पार्ट थे। वो हर बार की तरह इस बार भी अपने वन लाइनर से काफ़ी सक्सेसफुल रहे दर्शकों को एंटरटेन करने में। सोनाक्षी की एक्टिंग की बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सोनाक्षी इज़ नोन एज एन एमिनेंट एक्टर, तो वो अपनी एक्टिंग के लिए जाना जाती है, लेकिन इस फिल्म में कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग और उनकी एक्सप्रेशन भी काफ़ी सेम टोन में ही दिखा, ऐसा लगा एक सेम मोनोटोनस टोन में दिखी, तो इतना कुछ खास नहीं लगा, विच वॉज़ क्वाइट शॉकिंग बिकॉज शी इज़ नोन एज एक्टर्स, इससे पहले बहुत अच्छी काम कर चुकी है, पर इस फिल्म में कहीं ना कहीं वो फ्लैट दिखी। ओके, सॉन्ग्स की बात करें तो एक गाना तो बहुत ज़्यादा चर्चे में, कोका, आई थिंक फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही वो गाना चार्टबस्टर में आ गया, तो वो गाना अच्छा था, वो डेफिनेटली पेपी था एंड इट विल डेफिनेटली ब्रिंग ऑडियंस टू द थिएटर, बट बाकी के गाने आई थिंक वॉज नॉट रियली रेलिवेंट और कहीं ना कहीं फिल्म के स्क्रिप्ट में भी वो फिट नहीं नज़र आए, तो बहुत ही ऑफ ट्रैक दिखे गाना, इतना कुछ खास नहीं था। 3 थैंक यू।